हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एबीजे टेक में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप अपना YouTube चैनल क्रिएट कर सकते हो इसके बारे में। तो दोस्तों, आज की कंडीशन में YouTube चैनल बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको चलाना और उसके थ्रेशोल्ड रेशो को पार करके आपके YouTube चैनल पर एडवर्टाइज लेकर आना और उससे रेवेन्यू जनरेट करना, यह अलग पार्ट हो गया। तो दोस्तों, YouTube चैनल को किस तरह से क्रिएट किया जाता है इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि YouTube चैनल पर अगर आप आना चाहते हो तो उसमें आपको कौन सी कंडीशन जो है YouTube की तरफ से दी गई है वो फुलफिल करना है। तो दोस्तों, YouTube पर चैनल बनाना बहुत आसान है। YouTube का चैनल आप इजीली क्रिएट करोगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा उस तरह से आप चैनल क्रिएट करेंगे तो आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आप जब वीडियो अपलोड करना शुरू कर देते हो तो उसके बाद आपका सही चैलेंज जो है वो YouTube पर शुरू हो जाता है, जिसमें आपको 1000 सब्सक्राइबर जोड़ना और 4000 मिनट का जो वीडियोस आप YouTube पर अपलोड करते हो उसमें 4000 मिनट का वॉच टाइम कंप्लीट होना 365 डेज में कंपलसरी है। तभी आपके चैनल पर एडवर्टाइज आना शुरू हो जाएंगे जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे। तो ऐसे सूरत में हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यूअसली वीडियो अपलोड करना है और एक यूट्यूब चैनल की जो कैटेगरी है वो हमें कैटेगरी अच्छी चुननी है, ताकि जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हो वो टॉपिक आपको पूरा कवर करके अच्छी तरह से वीडियो बनाने हैं, तभी आप यूट्यूब पर अपना एक अलग मुकाम पा सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि अभी 2020 में YouTube पर चैनल किस तरह से क्रिएट किया जाता है उसके बारे में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर YouTube चैनल क्रिएट करने के लिए YouTube.com के वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आपको चैनल क्रिएट करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने YouTube का अकाउंट ओपन करके रखा है। तो यहाँ पर ये जो P का सिंबल है, यानी मेरा प्रोफाइल का सिंबल है, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ से अगर आपका चैनल ऑलरेडी क्रिएट होके है आपके नेम के साथ, अभी मेरा जो चैनल क्रिएट हुआ है यहाँ पर जो आपको नेम दिखाई दे रहा है उस नेम के साथ क्रिएट हुआ है। अगर आप योर चैनल पे जाते हो तो यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका जो चैनल है वो क्रिएट हुआ है और यहाँ से आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर क्रिएट वीडियो पोस्ट और अपलोड वीडियो, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अगर आपका YouTube चैनल आपके मेल आईडी में क्रिएट नहीं हुआ है तो आप अपने नेम के साथ अपना YouTube चैनल नहीं क्रिएट करना चाहते हो, तो इस सिचुएशन में आप किस तरह से अपना YouTube चैनल क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो YouTube चैनल क्रिएट हुआ है ये डिफ़ॉल्ट में मेरे नेम के साथ क्रिएट हुआ है, तो मुझे नेम के साथ क्रिएट नहीं करना है, मुझे अलग से अपना एक चैनल क्रिएट करना है। आप YouTube पर मैक्सिमम तीन से चार चैनल बना सकते हो और उन्हें मोनेटाइज भी कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा एक पर्सन इससे ज़्यादा चैनल क्रिएट नहीं कर सकता और उसको मोनेटाइज नहीं कर सकता। अगर आप ज़्यादा चैनल क्रिएट करोगे एक ही सेम मेल आईडी के ऊपर तो आपके सभी के सभी चैनल सस्पेंडेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो चैनल क्रिएट हुआ है ये डायरेक्टली क्रिएट हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो चैनल है वो किस तरह से क्रिएट हुआ है। मान लीजिए आपके YouTube अकाउंट में अगर आपका चैनल जो है वो क्रिएट नहीं होके है, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये जो होम स्क्रीन है, इस तरह से अगर आपका YouTube का अकाउंट दिखता है जब आप YouTube.com ओपन करते हो, और आपको अगर आपके नाम के साथ ही अगर चैनल क्रिएट करना है जिस तरह से मैंने यहाँ पर करके रखा है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर वीडियो अपलोड का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको प्लस साइन वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है और अपलोड वीडियो के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली चैनल क्रिएशन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर चैनल क्रिएट करके रखा है इसलिए वो ऑप्शन मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आपका YouTube चैनल क्रिएट नहीं हुआ है तो वो ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देगा और वहाँ से आप चैनल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसमें आपके नाम के साथ चैनल क्रिएट हो जाता है और वहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप अपना चैनल नेम चेंज कर सकते हो। लेकिन इस चैनल के रहते हुए भी मुझे एक अलग चैनल क्रिएट करना है इसी सेम मेल आईडी में, तो इसके लिए मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है आपके प्रोफाइल के ऊपर और वहाँ पर आने के बाद आपको योर चैनल के ऊपर आना है। योर चैनल के ऊपर मुझे आने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक चैनल क्रिएट हो गया है।
तो अगर आप यहाँ पर जाओगे, तो अगर आपका चैनल क्रिएट नहीं है तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्रिएटर स्टूडियो का ऑप्शन दिखाई देगा और एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आने के बाद जो मेरा पुराना चैनल है उसके कस्टमाइज चैनल ऑप्शन पर मैं आ जाता हूँ। तो कस्टमाइज चैनल ऑप्शन पर आने के बाद इस तरह से अगर आपको आपके चैनल के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो आपको अगर नया चैनल क्रिएट करना है तो यहाँ पर आपको सेटिंग के ऊपर आना है। और सेटिंग के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा नया चैनल क्रिएट करने का। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट न्यू चैनल। यहाँ पर क्रिएट न्यू चैनल यह ऑप्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आप यहाँ से अभी अपने चैनल का ब्रांड नेम लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपना ब्रांड नेम लिख लेता हूँ और यहाँ से मैं क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो इस तरह से मेरा ये जो नया चैनल जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो अभी यहाँ से आपको आपके कस्टमाइज चैनल इस ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें करना है। आपको आपके चैनल के लिए एक अच्छा सा लोगो बनाना है और यहाँ से आपको अपलोड करना है। उसी तरह से आपको चैनल आर्ट जो है वो अपलोड करना है। चैनल आर्ट के लिए मैंने एक चैनल आर्ट बना के रखा है। मैं यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये चैनल आर्ट मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं एडजस्ट द क्रॉप करके मैं इसको यहाँ से सेट भी कर सकता हूँ। आप चाहे तो इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो और उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर तीन व्यू आपको दिखेंगे, एक टीवी का व्यू है, मोबाइल का व्यू है। अगर आप फुल व्यू में रखना चाहते हो आपके चैनल आर्ट को, तो यहाँ से आप फुल व्यू में रख सकते हो जैसा का वैसा। और मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा चैनल आर्ट जो है वो यहाँ से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर आपको आपके चैनल का डिस्क्रिप्शन लिखना है। जो चैनल जिसके लिए आपने ये बनाया है वो चैनल डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत सेटिंग करना होगा। और अगर आप वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो ये प्लस का जो साइन है यहाँ पर आप क्लिक करोगे और अपलोड वीडियो पर जाओगे, तो यहाँ से आप वीडियो अपलोड करके अपने चैनल पर फर्स्ट वीडियो अपलोड करके आप अपने चैनल को दुनिया को दिखा सकते हो। तो आपको मैंने बता दिया कि चैनल की किस तरह से क्रिएट किया है मैंने, और कुछ बेसिक चीज़ें बताई जैसे चैनल आर्ट अपलोड करना और लोगो आप वहाँ से डाल सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड कर सकते हो अपने चैनल पर, उसमें टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखा जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अभी हमने देखा YouTube पर चैनल किस तरह से हमने क्रिएट किया और वहां पर बहुत सारी प्रोसीजर और अभी आपको फॉलो करनी है तभी आप अपने यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें आपको YouTube चैनल के सेटिंग में जाकर आपको करनी है, उसके बारे में बहुत सारे वीडियोस अभी हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो इसको डिसलाइक कीजिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।